नाम करू पारंग शर्मा जी की लड़की लाइक पन्नंग ओके वा हेलो एवरीवन दिस इज नेहा शर्मा वेलकम ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे आई हैव रीच राजस्थान पहुंच चुकी हूँ मैं आज हूँ मेरी सबसे बड़ी मामी जी के घर पे यहाँ से शादी के सारे फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं बिगनिंग फ्रॉम भात नूतना एंड देन फिर धीरे 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 जो मारवाड़ी कल्चर में शादी में होता है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ व्लॉग में बिफोर बिगनिंग द व्लॉग मैं आप सबको ये बता दूँ कि शादी है किसकी सो शादी है मेरे सबसे बड़े मामा जी की बेटी की बेटे की सो मैं उनकी लगने वाली हूँ 2000 years later मासी लगने वाली हूँ या मेरे भतीजे की शादी है और मैं भतीजे की शादी अटेंड करने आई हूँ 5 बजे ही पहुँच गए थे आने के बाद हम सो गए थे ब्रेकफास्ट किया नहा धो के अभी रेडी हुई एंड आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग द व्लॉग फ्रॉम नाउ सो बहुत से लोग आ चुके हैं ऑलरेडी एंड सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मैं ऐसे एक बड़ा फंक्शन होएगा उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी सो जैसे जैसे लोग आएंगे आपको मिलवाते रहूंगी आगे कर आगे पीछे कर ये क्या है मम्मी कौन सा बदला ले रहे हो आप नानी ने लिया बदला अपनी दोईती से ओ सॉरी दादी ने लिया तो इसकी दादी है इसका नाम क्या है बताओ आकांक्षा इंट्रोड्यूस करवाओ आप अच्छे से सभी को मेरे भतीजे की बेटी है जो सबसे बड़े मामा जी है उनके सबसे बड़े बड़े भतीजे हैं सबसे बड़े बेटे की बेटी है ये तो भतीजा है हमारी अक्षु जिसकी मैं लगती हूँ बुआ सबसे इम्पोर्टेंट जिनके घर पे हम आए हैं एंड जिनके यहाँ पे शादी है मतलब वो है हमारी सबसे बड़ी मामी जी सो ये है मेरी मामी जी सबसे बड़ी पे इनकी जो बेटी है कोसू दीदी उनके बेटे की शादी है सो अभी हम मिलेंगे हमारी मासी जी से जो सबसे छोटी मासी है उनको आपने शायद व्लॉग में देखा होगा जब हम वृंदावन गए थे तब वो एक्चुअली अपनी मेहंदी लगवा रही है बहुत ही बिजी है एंड जो मेहंदी लगा रही है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं सो ये रही हमारी सुनीता मासी और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ठो बच्चा सो रहा है रिक्की जो पिछले सुबह से ही सो रहा है छोड़ो एंड यहाँ पे हमारी छवि जो की है सबसे बड़े नहीं बीच वाले भैया की बेटी सो इसकी बड़ी दीदी है ये है हमारी अक्षु के भैया जो कि मुझसे बस 1 साल छोटा है एंड मैं इसकी लगती हूँ बुआ इसकी भी बुआ मैं सबकी बुआ हूँ प्रणाम करूँ कौशुदी प्रणाम करूँ प्रणाम करूँ जय श्री कृष्ण जीजी प्रणाम करूँ सब कर सो ये रही हमारी कोसू दीदी जिनके बेटे का इस बारी शादी है सो इनके बेटे की शादी में हम आए एंजॉय करने के लिए सब ना क्या है बाल गीले पड़े आप नहीं रात लगा लो सब पवित्र हो जाएंगे मेरी छोटी बहन है ये मेरे साथ मायरा टीकने के लिए आई है ये मायरा टीकने के लिए और ये मेरी देरानी भी है ये मेरी भतीजी है ये सबसे प्यारी भतीजी बाकी भतीजी आपसे गुस्सा हो जाएंगे शादी में सबसे मिलना है अच्छा और भतीजी और बुआ लगा रही है बीच में ही है अच्छा बीच में मेहंदी में ये मैं हूँ मेहंदी वाली मेहंदी तब तो मेरी मेहंदी वाली तो फिक्स्ड है ये मेरा भाभी है तो मिल हाँ सबसे मिल लिया तो 3 गो चीयर ब्लॉगर आई शर्मा जी की लड़की आई ब्लॉगर शर्मा जी की लड़की आज तो देख ले इसको सो अभी जा रहे हैं दीदी लोग को सबको हम लोग करेंगे खातिरदारी तो खातिरदारी में हमारे पास ये कुछ है चीजें जो कि हम देंगे थैंक यू वेलकम और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी जो आज हमारे यहाँ पे खाना बना है मस्त मस्त खाना तो आज खाने में क्या बना है मम्मी मीठे चावल
मीठे चावल शगुन के, और ये है अंगूर काकड़ी की सब्जी, आलू की सब्जी पे बनी हमारी गर्मा गर्म रोटी। और ये देखिए रिकी को, ये छुप छुप के नाश्ता कर रहा है, इस बेचारे को कोई नहीं दे रहा, सो ये छुप छुप के लेके जा रहा है, देने जा रहा है, जस्ट किडिंग। निकल रहे हैं साऊ नानी के यहाँ पे, सो लेट्स गो। और ये है मेरी साऊ नानी का घर, ये मेरी छोटी नानी है उनके घर पे आए हैं। ये एक्चुअली हवेली जैसी है, पुराने टाइम पे जैसे घर होते थे वैसे ही होते थे हवेली जैसे, सो लेट्स गो अंदर। नानी जी प्रणाम करू, मौज करे, और क्या हो? ठीक हो? थाने लेना आया? तो लेना, चार बैठी हूँ। चलो जब चला ना। और अब हम जाने वाले घर के ऊपर की तरफ से, कितना सही दिख रहा है ना पुराना हवेली, ऐसा लग रहा है कुछ राजा महाराजा का घर है, जबकि ये है हमारा नानी जी का घर। तुम्हारी क्या लगेंगी? पढ़ नानी, पढ़ दादी। मेरी भी पढ़ दादी है। वाह यार क्या सही दिख रहा है, देखो अब अभी गोल ही घूमे खाली। ये देखो यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है, फिर वहाँ से ऊपर और भी जाने का रास्ता है। ओ वाह, वो देखो वो तो ऊपर पहुँच गया, वो पूरा देखो वो ऊपर भी है, ऊपर भी रास्ता है। हाँ तो ऊपर थी ना सीढ़ियाँ, एकदम उधर तक जाएंगे वो देखो। चलो चलो चलते हैं फिर। यहाँ पे क्या सही वीडियो आएगा यार, यहाँ मेरी फोटो खींचो। अभी सबके यहाँ पे फोटो शूट कर लेते हैं, एक एक दो दो फोटो, बस ऐसा व्यू। फिर अपने घर का कहाँ मिलेगा, यहाँ पे तो हम लोग वेट करते हैं कि कहाँ हम घूमने जाए तब ऐसा व्यू आए। सो ये है ऊपर का व्यू, हम थे नीचे जब आए थे, एंड ये है टॉप में, इसके टॉप और भी एक व्यू है। राजस्थान में टिपिकली ऐसे जाली लगाई जाती है, नीचे में हॉल रहता है, हर घर में ऐसा ही रहता है। तो बड़ा मस्त लग रहा है। अरे मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी नीचे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जोधपुर जयपुर आ गई हूँ किले में, और वो भी घर नहीं है किसी का, वो ऐसा हवेली है, हवेली पुरानी हवेली बोलते हैं। यहाँ से भी देखो राम सेम, यहाँ से ऊपर, चलो ऊपर चढ़ते हैं जितना ऊपर जा सके भाई, ये तो ऊपर 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 चढ़े जा। अरे रे 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 रे, मुझे तो यहाँ तक जाना है। हाँ जाओ। अच्छा दूसरों की है क्या? ठीक है फिर। सो ये रहा टॉप व्यू गाइस, हम थे पूरा नीचे। व्हाट अ प्लेस, प्लेस क्या क्या व्यू है, और फिर क्लाउड्स तो और भी सही है, एक छत से दूसरे छत। हाँ कनेक्टेड रहते हैं घर सारे। हाँ सो कैसा लगा वहाँ पे घूम के? बहुत मजा आया, मेरे आंख में कचरा गिर गया। चलो तो फिर बहुत ही मजा आया, पुरानी हवेली देख के एकदम ही एस्थेटिक प्लेस था। yes. उनके लिए तो वो घर बार सब कुछ है, बट हमारे लिए तो आजकल के बच्चों के लिए वो एस्थेटिक है। हाँ. हमें तो फोटो से मतलब है, बट बहुत सुंदर घर था। तो अभी हम वापस से घर को रिटर्न कर रहे हैं, नानी जी को साथ में लेने के लिए आए थे, तो अभी जाते हैं घर। भाई बहनों का शगुन होता है। मैं टीकने आई हूँ, और इनको मीठे चावल से मुँह मीठा करवाते हैं पहले। ओके okay. ये मेरा भतीजा है बड़ा। आओ चाचू जी आ जाओ। गाइस देखो गांव में ये होता है भाई, गेट खुला रह गया तो अंदर घुस जाएंगे। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम मैं करती हूँ। नॉर्मल खाना खाऊंगी। और अब हम तीनों मिलके खाना खाने वाले हैं, मुस्कान, छवि और मैं। आकांक्षा इज मिसिंग, वो अलग खाएगी या हमारे साथ खाएगी? अपने साथ खाएगी। चलो फिर अटैक करते हैं। आज हमारे घर पे बनी है रोटी, मूंग, मीठे चावल, और हमारे यहाँ पे बनी है इसको क्या बोलते हैं, काकड़ी की सब्जी और आलू की सब्जी। और यहाँ पे हमारी मिसिंग वाली जो पार्टनर बैठी थी, एक दूसरे को खिलाना भी है क्या? हमारे यहाँ पे सब बैठ के जब खाते हैं ना, तब एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। तो ये इसको खिलाएगी, मैं बड़ी हूँ। अब हम भी खिलाएंगे। अरे मैं तो बहन हूँ, बुआ से पहले खा छोटो से।
सब इक्वल हो गया, अब अपना अपना खा लो। सो गाइस फाइनली खाना पीना कंप्लीट हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई हैं एंड सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा दिया है। सभी हम करने वाले हैं भात टूटने वाला फंक्शन स्टार्ट। हमारी घोषित दीदी जो है वो आ चुकी है एंड पीछे में सारी तैयारी हो चुकी है, लेडीज आ चुकी है गीत गाने के लिए। सो लेट्स बिगिन द व्लॉग। कैसे होता है क्या होता है लेट्स सी। पैरों पारेंगे शर्मा जी की लड़की, अल्लारों लाइक पढ़ेंगे। ओके वाह। दूसरों मतलब क्या हुए हैं पता करनी है। कोई कोई तो आप जा कोई चीज नहीं होती क्या तो ठोलो ले। गाइस अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं डूंगरगढ़ जहाँ पे मेरा दादी घर है। सो वहाँ पे हम जाएंगे शादी वाले घर में। मैं कल सुबह जाऊंगी, तब तक के लिए मैं अपनी चाची लोग के सबसे मिलने जाऊंगी मम्मी के साथ।